दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जसोदा की रसोई ब्लॉग में। नए वीडियो में आज फिर आए नए रेसिपी के साथ। चार प्याज काट ली मीडियम साइज की, आधी लौकी ले ली, 250 ग्राम लौकी है, पनीर है, एक टमाटर। अब लौकी पनीर की सब्जी बनाएंगे। तो लौकी कोई खाता नहीं है बहुत जने, तो इस तरीके से बनाएंगे हम, देखते हैं दूसरे तरीके से। अच्छे से छील लेते हैं, छिलका उतार लेते हैं इसका, लौकी का। छील ली दोस्तों, लौकी छिल गई। अब इसको इसी में काटेंगे, आधी जगह हम रखेंगे काट के ऐसे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ऐसे काट लेते इतने बड़े बड़े पीस में लेते दोस्तों। दोस्तों लौकी इतने बड़े बड़े टुकड़े में, तो आधी लौकी इधर, प्याज एक ही में रख ली, ये पनीर काट लेते दोस्तों ऐसे। इसको पनीर को काट के रख लेते बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरीके से, इस हिसाब से काट लेंगे ऐसे। टमाटर एक, तो ये टमाटर को भी काट लेंगे। धो लिए दोस्तों लौकी और प्याज को, धो के ये कढ़ाई हम रख लिया। अब इनको एक उबाल आने देंगे, इसको गैस पे रखते हैं। अभी गैस चालू करूंगी, थोड़ा पानी डालेंगे, गैस चालू कर देते हैं। कर दिया, प्याज और लौकी पक गई दोस्तों। उबाल ली हमने अच्छे से, तो निकाल लेते हैं पानी में से इस तरीके से। ये निकाल ली, अब इन्हें ठंडे होने देते थोड़ा। टमाटर ले लिया दोस्तों एक, और जो लौकी और प्याज उबाल ली ये भी मिला के, सब मिक्स करके पीसेंगे दोस्तों। अलग अलग नहीं पीसेंगे, सरल तरीके से बनाना बता रही हूँ आपको, बहुत सरल तरीके से। और बनेगा वही टेस्ट आएगा, वही फ्लेवर आएगा, वही अच्छे से पीस लिया दोस्तों। देखो अच्छे से पीस गए। इसी तरीके से दूसरा इसमें डाल दिया बर्तन में, दूसरे में। अब ये भी पीसेंगे। मैं निकाल लिया दोस्तों, सारे पीस गए हमारे टमाटर ने, लौकी प्याज सब साथ में उबाल के पीस लिए। अब रखेंगे कढ़ाई, तेल डाल देते हैं। थोड़ा ज्यादा तेल लगेगा, थोड़ा ज्यादा डालेंगे। आज पनीर है, पनीर को तलेंगे दोस्तों इस तरीके से, ज़्यादा नहीं तलेंगे, थोड़ा तलेंगे, ज़्यादा में टाइट हो जाएगा कड़क, तो ज़्यादा कड़क नहीं करना अपन को, कम फ्राई करना है। हो गए दोस्तों, हल्का फ्राई करा हमने, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इसमें डालेंगे एक लाल मिर्च, खड़ा गरम मसाला थोड़ा, सिराएं आधी चम्मच जीरा, और सारे मसाले घोल ला, धनिया मिर्ची हल्दी। तो
ये डालेंगे, मसाला डाल दिया, इसको अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे, बहुत अच्छे से मसाला पक रहा है दोस्तों हमारा मसाला बहुत अच्छे से। अब दोस्तों लौकी प्याज जो पीस के रखी थी उबाल के इनको डाल के अच्छे से पकाएंगे। अब पक गए दोस्तों लौकी हमारी सब्जी जो डाली थी हमने पीस के। अब डालते पनीर, ये पनीर डाल दिया। तो इस तरीके से दोस्तों पनीर बनाइए, ज़रूर अच्छा बनेगा और बच्चे बहुत अच्छे से खाएंगे। और कहते हैं ना कि लौकी नहीं अच्छी लगती है किसी किसी को, तो लौकी नहीं खाओ। अब इसमें आधे कप दही डालते हैं दोस्तों, कटोरी छोटी कटोरी से, मतलब कप से आधे कप होएगा। चलाएंगे चम्मच। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे दोस्तों, ढक के रखते हैं अब इसको पकने के लिए। देखिए दोस्तों कितना, दोस्तों बहुत प्यारी सब्जी बनी है, देखने में भी और स्वाद में भी और खुशबू में भी कोई इतराज नहीं करेगा कि लौकी है क्या है। बहुत अच्छे से खाएंगे मांग मांग के बार बार। तो अब लगाते प्लेट, देखिए दोस्तों थाली लगाते तैयार करते। रोटी रख ली, ये चावल निकालते हैं, इस तरीके से दोस्तों थाली तैयार है हमारी, चावल रोटी और हमारी सब्जी रोटी पनीर लौकी से बनी सब्जी तो अच्छी बनी है दोस्तों। आप भी बनाइए, जब भी घर में मेहमान आए कोई सब्जी समझ ना आए लौकी रखी घर में तो लौकी इस तरीके से बनाओ पनीर के साथ, बहुत अच्छी लगेगी। मेहमान भी नहीं यश कर पाएंगे कि क्या बना है, जो लौकी है कि पनीर है, बहुत अच्छी लगेंगी दोस्तों। ज़रूर बनाना और फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।